आपके यूनिट 4 का टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एक्ट 1986। ये एक्ट है 1986, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट्स हो चुका है, एक 2002 में, और एक अभी अमेंडमेंट हुआ था 19 या 20 करके उसको बोलते हैं। तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स के साथ हुआ है। आपके सिलेबस में 1986 दिया है, तो हम 1986 स्टडी करेंगे, प्लस कुछ जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो न्यू को समझने के लिए पहले ओल्ड समझेंगे, कि तभी हम उसमें समझ पाएंगे कि न्यू में क्या चेंजेस आए। तो सेकंड देखो, व्हाट इज कंज्यूमर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात तो चल रही है, लेकिन कंज्यूमर कौन है? व्हाट इज कंज्यूमर? कंज्यूमर रिफर्स टू एनी इंडिविजुअल्स। देखो, इंडिविजुअल भी आएगा इसमें, फिर हाउसहोल्ड, कोई घर, दैट यूज गुड्स एंड सर्विस जनरेटेड विद इन अ इकोनॉमी। फिर कंज्यूमर इज डिफाइंड एज समवन जिसने गुड्स लिया है या सर्विस परचेज किए हैं फॉर डायरेक्ट यूज और ओनरशिप रेदर देन फॉर रीसेल। देखो, रीसेल वाला ऑप्शन नहीं आएगा, रेदर देन फॉर रीसेल और यूज इन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल, वेन योर फादर बाइज एप्पल फॉर यू एंड यू कंज्यूम दैम, योर फादर एज वेल एज योर सेल्फ आर ट्रीटेड एज कंज्यूमर्स। द सेम थिंग अप्लाइज टू हायरिंग अ टैक्सी टू गो टू योर स्कूल। तो हम जिस गुड्स का यूज करते हैं, तो हम जब यूज कर रहे हैं उसको, तो हम क्या है? उसको कंज्यूम कर रहे हैं, इट मीन्स हम क्या है? उसके कंज्यूमर। नेक्स्ट देखो, मीनिंग में कोई डाउट है इसमें? आपको मीनिंग लिखनी है एग्जाम में, ऐसे इसलिए बता रही हूं मैं। किसी को डाउट है मीनिंग में तो पूछो पहले। कॉन्सेप्ट क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का? देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसमें क्या लिखा है? कंज्यूमर इज किंग। ये देखो, ये इसका क्राउन रेडी है, कंज्यूमर इज किंग। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बोलते हैं ना कि भगवान है, मतलब कंज्यूमर ही राजा है सबके लिए, तो उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर। इन अदर वर्ड्स, इट रिफर्स टू मेजर्स एडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम अनस्क्रपुलस एंड अनएथिकल। ये देखो, अनस्क्रपुलस और अनएथिकल मैल प्रैक्टिसेस बाय द बिजनेस एंड टू प्रोवाइड देम स्पीडी रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। तो इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? एक तो उनको बचाना मैल प्रैक्टिसेस से जो बिजनेस हाउसेस करते हैं, प्लस उनको एक स्पीडी रिड्रेसल, रिड्रेसल मतलब उनको सॉल्यूशन देना, ठीक है, उनके मैटर को सॉल्व करना ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। तो ये होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इसमें देखो, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये इंट्रोडक्शन में लिखेंगे आप लोग, कट टू कट लिखेंगे सेम। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज इनएक्टेड फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 15/4/1807, मतलब 15 अप्रैल 1987 बोल रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्पोज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑन अ मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर है ना उसके ऊपर। सपोज अगर आपने सैमसंग का कुछ प्रोडक्ट परचेज किया किसी शॉप से, तो आपने कंज्यूमर फोरम पे केस किया, तो वो शॉप वाले की लाइबिलिटी नहीं होगी, वो किसकी होगी? मैन्युफैक्चरर। शॉप वाला बोलेगा, भाई मैंने तो सामान परचेज किया था फॉर द रीसेल, तो वो डायरेक्ट उसका केस किसके ऊपर चले जाएगा? मैन्युफैक्चरर, क्योंकि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय हिम एंड सर्विस प्रोवाइडर, इन केस ऑफ डेफिशिएंसी इन रेंडरिंग ऑफ इट सर्विसेज, तो प्रॉब्लम इसकी होगी। हाँ, लेकिन अगर कोई सर्विस पहुंचाने का काम है, तो डायरेक्ट हम उस शॉप के ऊपर केस करेंगे या जो बिजनेस हाउस था उसके ऊपर। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो।
एक्ट कहाँ पास हुआ? लोकसभा में 9th दिसंबर 1986 और केम इनटू फोर्स फ्रॉम जुलाई 1987. राज्यसभा पास ऑन 10th दिसंबर. देखो कोई भी जो एक्ट होता है, अभी आप लोग रिसेंट न्यूज में सुन रहे हैं आप लोग, जो फार्म लॉज हैं, बिल्स हैं, बहुत उसकी वजह से अप्रॉक्स 2 महीने होने वाले हैं अब ऑलमोस्ट, जो फार्म लॉज हैं, जो फार्मर्स हैं वो लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं दिल्ली पे, सुना है आप लोगों ने? ठीक है, तो देखो कोई भी जो एक्ट होता है वो सबसे पहले लोकसभा में आता है या फिर राज्यसभा में, कहीं पे भी आ सकता है ना. और इसके जो MLAs होते हैं ना वो लोग इस एक्ट को पास, अगर समझो ये बिल लोकसभा से निकला है तो फिर कहाँ जाएगा पास होने के लिए? राज्यसभा, और राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट. अगर ये बिल राज्यसभा में निकला है तो राज्यसभा से जाएगा लोकसभा में पास होने के लिए और फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास. तो ये सीक्वेंस होता है हर बार, तो ये कोई न्यू नहीं है. अगर आप लोगों को नहीं पता था तो पता चल गया. तो ये अगर आप एग्जाम में नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट देखो, ये है राइट्स ऑफ कंज्यूमर. ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइट्स ऑफ कंज्यूमर. तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या है? तो कितने राइट्स दिए गए हैं हमको? ये दिए हुए हैं. नेक्स्ट फिर क्या करना है? अब देखो कौन कौन से राइट्स हैं. फर्स्ट, राइट टू सेफ्टी. सेकंड है राइट टू इंफॉर्मेशन. थर्ड, राइट टू चॉइस. राइट टू बी हर्ड, मतलब हर्ड मतलब बोलना और सुनने का, रिड्रेसल, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो भी मैटर है. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बेसिक नीड्स, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट. तो ये राइट्स ऑफ कंज्यूमर है. एग्जाम में पूछे या नहीं पूछे, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है तो आपको ये राइट्स लिखने ही हैं एग्जाम में. कोई भी एक ऐसा राइट है जिसमें कोई डाउट है? ये राइट टू सीक रिड्रेसल. कौन सा बोल रहे हो बेटा? मैम फिफ्थ वाला. हाँ देखो, सीक मतलब क्या होता है? देखना या ढूंढना. कौन? कंज्यूमर का एक राइट है कि उसको वो मिले क्या, रिड्रेसल. मतलब अगर उसका मैटर कंज्यूमर फोरम में है और उसकी कोई कंप्लेन है तो उसकी कंप्लेन को अच्छे से सुनी जाए, समझी जाए, और उसके बाद अगर लगता है कि कंज्यूमर के साथ गलत हुआ है तो उसको कॉम्पनसेशन दिया जाए. इसको बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल. क्लियर हुआ? यस. नेक्स्ट देखो आप, क्या दिया है फर्स्ट? ये देखो, राइट टू सेफ्टी, टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस दैट आर हैजार्डियस टू हेल्थ एंड लाइफ. ऐसे गुड्स या सर्विसेज की मार्केटिंग से हमको प्रोटेक्ट करना है. टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द, जो हेल्थ और लाइफ के लिए क्या हो, हैजार्डियस हो. नेक्स्ट देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन, टू बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसऑनेस्ट एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग लेबलिंग एंड द राइट टू बी गिवन द फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस. तो कोई डिसऑनेस्ट या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है या लेबलिंग है तो राइट टू इंफॉर्मेशन का राइट है. तो कोई भी कंज्यूमर अगर उसको लगता है कि ये एडवर्टाइजमेंट जो टीवी में आती है वो गलत है तो वो उसके लिए भी कंज्यूमर फोरम में केस लगा सकता है राइट टू इंफॉर्मेशन का. राइट टू चॉइस मींस टू चूज प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस. कॉम्पिटिटिव प्राइस मींस विद एन एश्योरेंस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी. आप चाहो तो, जैसे मोनोपोली होती है किसी की या ओलिगोपोली,
और आपको लगता है कि ये अनफेयर रेट्स हैं, तो आप चाहे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू कंज्यूमर फोरम में केस कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि ये एक अनजेन्युइन प्राइस है जो लग रहा है। अभी आप लोगों ने केस सुना है वो डाबर हनी के ऊपर, एक टेस्ट होता है जो यहाँ के लैब्स, जो FSSAI ठीक है, फूड सिक्योरिटी, और जो इंडियन फूड मिनिस्ट्री है, तो जो नॉर्मल लैब्स होते हैं तो उसमें ना ये पता नहीं चलता है कि ये शुगर है। इसके लिए एक अलग टाइप का लेवल का एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को अभी, एक टेस्ट होता है, वो जब टेस्ट किया जाता है तभी पता चलता है कि ये हनी नहीं है, ये शुगर है। तो ऑलमोस्ट 30 ब्रांड्स इंडिया में जिसकी हनी बिक रही है वो एक्चुअली हनी है ही नहीं, वो क्या है, शुगर पेस्ट है, जो ये लोग कहां से इंपोर्ट करते हैं बताओ, कंट्री का नाम, राइट टू रिप्रेजेंटेशन टू एक्सप्रेस कंज्यूमर इंटरेस्ट इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं तो उसमें राइट टू रिप्रेजेंटेशन का राइट है, कंज्यूमर अपना उसमें इंटरेस्ट बता सकता है। अभी जो इतना फार्म लॉस को लेकर के जो चल रहा है उसमें न्यूज में कई कई लोग ये भी कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, कौन है इनके स्टेक होल्डर्स इन फार्म लॉस के, फार्मर्स, तो ना उनसे ज्यादा अच्छे से बात की गई, ना उस रूल पॉलिसीज के लिए डिस्कस किया गया, और जो ये जो बिल्स बने थे ये पास हो गए, तो ऐसा भी सुनने में आया था। तो इसलिए गवर्नमेंट कोई भी जो लॉ लेके आती है तो उसके लिए सबसे पहले वो उसमें जिस जिस पर्टिकुलर फील्ड के लिए कोई लॉ आ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड से रिगार्डिंग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसेंट मस्ट है। अगर आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन करेंगे जिसमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स रहता है, अगर आपको पता नहीं है तो आप देख सकते हैं, तो पार्लियामेंट में ही क्या होते हैं, बिल्स उठते हैं फिर वो पास होते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के सजेशंस मांगे जाते हैं। फॉर 30 डेज का टाइम लिमिट रहता है, तो पूरी इंडिया से वहाँ पे लोग सजेशंस देते हैं, तो उन सजेशंस को जो उन्हें ठीक लगता है तो फिर वो उसमें अमेंड करते हैं, और उसके बाद बिल फिर से रेडी होता है और वो पास होने के लिए आता है। तो टाइम लिमिट सिर्फ 30 डेज नहीं है, किसी में कितनी टाइम लिमिट रहती है, किसी में कितनी, आप लोग चाहें तो उसमें अपने सजेशंस दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो, राइट टू सीक रेड्रिसल, ये मैंने बताया, टू बी कंपनसेट, कंपनसेट करना फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन, शॉर्टी गुड्स और अनसेटिस्फेक्ट्री सर्विस। नेक्स्ट देखो, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ऑब्वियस है हमें राइट है कि हम पूरा अच्छे से इन्फॉर्म्ड कस्टमर रहें। राइट टू बेसिक नीड्स, गारंटीड सर्वाइवल, एडुकेट फूड क्लोथिंग शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन, फिर हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करने का हमको राइट है। टू लिव एंड वर्क इन एन इन्वायरमेंट विच इज नाइदर थ्रेटनिंग नॉट डेंजरस एंड विच परमिट्स अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड वेलबींग, ये सब कहाँ पे यूज होता है, हेल्दी इन्वायरमेंट, ये BSP जो प्लान है यहाँ पे। अभी एक भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी बताओ तो, मैम 4 नवंबर, नहीं बेटा दिसंबर 1984 का है, अब एग्जैक्ट डेट में भी 2 दिसंबर है, और जो गैस स्प्लिट आउट हुआ था MIC नाम बोलते हैं उसको, MIC बोलते हैं उस गैस जो रिलीज हुई थी, यस मैम, मिथाइल आइसोसाइनाइड, हाँ मिथाइल आइसोसाइनाइड, किसने बताया ये, मैम नम्रता, गुड। नेक्स्ट देखो, राइट, अच्छा ये सब हो गया डिस्कस, राइट टू सीक रिड्रेस, कॉम्पनसेट करना, कंज्यूमर एजुकेशन, बेसिक नीड्स में क्या क्या आता है, फूड क्लोथिंग शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्दी एनवायरमेंट का राइट है, लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड वेलबींग। नेक्स्ट देखो, इसमें कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऐसा तो नहीं है कि कंज्यूमर फोरम खुद एक एक इंसान के पास आएगा और बोलेगा बताओ तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ, नहीं भाई इतना टाइम नहीं है, 120 करोड़ की पॉपुलेशन में इतना टाइम नहीं है। तो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंज्यूमर खुद अपने राइट के लिए क्या करे, लड़े, मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स, द कंज्यूमर मस्ट सिलेक्ट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंस,
he must file a complaint if he is not satisfied with the quality of the product. Next, cautious consumer. The consumer should not blindly believe on the words of seller. तो सेलर के वर्ड्स पे ब्लाइंडली बिलीव, ब्लाइंडली मींस आंखें बंद करके. ही मस्ट इंसिस्ट ऑन गेटिंग फुल इंफॉर्मेशन ऑन, वो खुद इंसिस्ट करे फुल इंफॉर्मेशन पे, क्या क्वालिटी, क्वांटिटी, यूटिलिटी, प्राइस एक्सेट्रा. नेक्स्ट देखो, consumer must be quality conscious. According to this, consumer himself stop. खुद से उसको stop करना है ना, कि अगर उसको compromising the quality of product while purchasing the goods or service, consumer must look for quality marks such as ISI marks, egg mark, ISO. Wool mark etc. Insist on cash memo. To file a complaint, the consumer need the evidence of purchase, and cash memo is the evidence or proof that consumer has paid for the goods and services. Dono, ek invoice price jo rehta hai wo bhi lena chahiye, aur ek cash memo rehta hai. Do bill milte hain dono ko. Filing complaints for the redressal of genuine grievances. To jisme genuine problems hain, तो ऐसी इन चीजों के लिए उसको क्या करनी चाहिए, कंप्लेन फाइल करनी चाहिए. नेक्स्ट इसमें देखो, वेज एंड मीन्स में ये बाद में स्टडी करेंगे, पहले यहां देखते हैं. Filing a complaint. Some important terms defined in, हाँ definitions आपको करनी है बहुत अच्छे से. Consumer कौन है, वो जो goods और hire करता है service for some value. When or under what circumstances the complaints can be filed? कौन सी circumstances में complaints को file किया जाता है, जब traders, falls by traders and manufacturers if goods are defective. Within what period the complaint can be filed? Complaint must be filed within 3 months of purchase, and if some testing of goods is required, then within 5 months. So purchase ke 3 months mein, aur agar kuch goods hai jisme testing required hai to 5 months mein. Lekin ye ab change ho gaya, ye to 1986 ka chal raha hai, lekin ab ye change ho gaya 2002 ke amendment aur abhi 1920 ke amendment mein kya difference hai, ये क्वेश्चन नोट करो आप लोग, मैं कल सबसे पूछूंगी. विद इन वॉट पीरियड द कंप्लेंट कैन बी फाइल, बहुत इजीली मिल जाएगा आपको इसका आंसर. लिखो, 1986 का तो बता दिया, 2002 का बताएंगे आप लोग मुझे कल, और 1920 का, दो बार जो अमेंडमेंट हुआ है. अब देखो, where the complaints can be filed. Complaint कहाँ file की जाती है, first district forum, second state forum यानी state commission, और तीसरा national commission. ठीक है, अब देखो इसका ना अपडेट इंफॉर्मेशन भी दूंगी मैं आपको कल. तो देखो, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फोरम है जहां पे हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, एक स्टेट लेवल पे रहता है कमीशन, और एक रहता है नेशनल लेवल पे. डिस्ट्रिक्ट में हम 20 लाख तक के गुड्स की कंप्लेन कर सकते हैं, स्टेट में 20 से 1 करोड़ तक, और नेशनल कमीशन में 1 करोड़ से ज्यादा. लेकिन ये डेटा अब चेंज हुई है, लेकिन अभी आप लोग ये समझो तब आप समझ पाएंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. हु इज नॉट अ कंज्यूमर, और एक चीज और इसमें याद रखनी है, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस है और उसका जो भी हियरिंग आया
जो भी उस कोर्ट का क्या कहते हैं जो ऑर्डर आया, अगर आप उससे एग्री नहीं करते हैं तो अब आप कहाँ अप्लाई करेंगे, स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं आप। अगर आपका केस स्टेट कमीशन में और अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं, नेशनल। और अगर आप नेशनल से भी सेटिस्फाइड नहीं है ये तो फिर एक अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, वहां जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट। ये मैं आपको रूल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो इसमें किसी को डाउट है तो पहले पूछो। नो मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। देखो सम रिलीफ्स और रेमेडीज टू कंज्यूमर्स, तो उसमें क्या मिलता है, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम गुड्स, रिप्लेसमेंट, रिफंड ऑफ प्राइस पेड, कंपनसेशन दिया जाता है, सर्विसेज में जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर किया जाता है, स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्डियस गुड्स। स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्डियस गुड्स, कौन सा एक गुड्स है हजार्डियस की कैटेगरी में आता है और उसका सेल अभी स्टॉप है, बैन है, बताओ। जिसका साइड इफेक्ट ज्यादा है तो वो बैन है। मेडिसिन, हाँ, जब तक उसका आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है डॉक्टर का तब तक आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीजें बताओ, और कुछ बताओ, एक दो चीजें। एसिड वगैरह, मैम जो मैगी का हुआ था, मैगी का जो हुआ था उसमें किस चीज की उसमें ज्यादा थी एक्स्ट्रा, जिंक, लेड, लीड। जिंक किस में था? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखो।